हेलो गाइस, वेलकम टू दी बैंकिंग ब्लॉग्स ऑफ ऋषिका। तो सब तो प्रिपरेशन में लगे होंगे, जाहिर सी बात है। सॉरी, थोड़ा दिन हो गया मुझे, आज कुछ दिन बीत गए वीडियो बनाने में, मैं नहीं ला पाई, थोड़ा बिजी थी कुछ काम के वजह से, कुछ अपना पर्सनल काम के वजह से, तो थोड़ी सी बिजी चल रही थी। और बहुत सारे इस बीच में मतलब बैक टू बैक न्यूज़ आए हैं। सबसे अभी हिट में ये था कि बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा था कि IDBI एग्जीक्यूटिव का जो है, जैसे कि सबको पता है कि IDBI एग्जीक्यूटिव ने ऑलरेडी दो बैचेस मतलब स्टार्ट कर दिए हैं। मतलब फर्स्ट बैच जो उनका था वो 6 अगस्त को था, और सेकंड बैच का जो उन्होंने रखा था मतलब ट्रेनिंग का टाइम था वो 16 अगस्त को था। तो ऑलरेडी दो बैचेस चल रहे हैं IDBI एग्जीक्यूटिव के लिए, उन्होंने ज्वाइन करवा दिया है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों के ये क्वेश्चन है कि थर्ड बैच आएगा, मतलब कब होगा हमारा, ये बहुत सारे लोगों के माइंड में चल रहा है क्वेश्चन। तो मैं आपको बता देती हूँ, जो थर्ड बैच है उनका, कुछ स्टूडेंट का इसलिए इसमें नहीं हो पाया था क्योंकि उनके मार्क्स भी अच्छे खासे थे, मतलब कट ऑफ से अच्छे खासे मार्क्स ऊपर थे, जस्ट बिकॉज उनके कास्ट सर्टिफिकेट में प्रॉब्लम हो गया था। जो भी उन्होंने मांगा था जिस भी क्राइटेरिया में, वो फुलफ़िल नहीं हो पा रहा था, इस वजह से उनका कास्ट सर्टिफिकेट को रिजेक्ट कर दिया गया और उन्हें टाइम दिया गया 2-3 दिन और, मतलब उनको शायद 3-4 दिन का और टाइम मिला था कि ताकि आप इसे सही करके उसे अपलोड कर दें, है ना। और आई एम श्योर कि आप लोगों ने कर दिया होगा जिनका भी ये चीज़ होगा। तो बहुत लोग इस चीज़ को लेकर भी बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे थे, क्वेरी कर रहे थे कि क्या कहते हैं, क्या किया जाए, मतलब अब क्या होगा, मतलब मेरा क्यों नहीं हो रहा है, बहुत टेंशन में थे कि बाकी लोगों का तो हो गया तो, और बहुत कोई खुश भी है। और मैं जो सेकंड क्राइटेरिया की बात कर रही हूँ ना, मैं उससे ज़्यादा सहमत हूँ कि आप बहुत लकी हैं, विश्वास कीजिए। अभी मुझे बहुत लोग ऐसे कहेंगे, क्या आप बोल रही है, क्या लकी है, हमारा रिजेक्ट हो गया ये लकी है, ये बहुत सारे लोग पूछेंगे। मैं ये नहीं बोलना चाह रही, मेरे कहने का मतलब है अभी लाइनअप में कितने सारे पेपर हैं। मैंने करीब से कुछ लोगों को देखा है, मतलब जान पहचान जिनसे कहते हैं ना, उनको देखा है, अच्छे स्टूडेंट, मतलब जो कहते हैं ना बिहार ये सब के, UP के बहुत अच्छे स्टूडेंट जो मतलब सर्वाइव कर रहे थे एग्ज़ाम देने को RRB का, उनका कलर नहीं दे पाए वो, जस्ट बिकॉज क्योंकि उनकी 16 को ज्वाइनिंग थी, उनकी 16 को ज्वाइनिंग होने की वजह से उनकी RRB कलर को उन्होंने नहीं दिया, IUPS कलर भी उनका छूट रहा है, IPS कलर भी वो नहीं दे पा रहे क्योंकि उनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है और वो नहीं ले सकते हैं सडनली लीव। जाहिर सी बात है RRB कलर तो खैर वो दे भी नहीं पाते क्योंकि 19 को उनका ट्रेनिंग था और यहाँ पे उनका एग्ज़ाम था, तो नहीं दे पाते। बट IPS कलर भी वो नहीं दे पा रहे क्योंकि जहाँ से उन्होंने फॉर्म फिलअप किया पॉसिबल नहीं है उतने दूरी को, और जहाँ उनको पोस्टिंग हुई है पॉसिबल नहीं है कि वो एक दिन में आना जाना कर ले या 2 दिन में आना जाना कर ले। तो सोच लीजिए, इतने अच्छे अच्छे स्टूडेंट, मतलब कुछ स्टूडेंट इतने अच्छे भी नहीं दे पाए, तो आप लकी हुए ना, कम से कम एग्ज़ाम तो दे रहे हैं, क्लियर तो होना ही आपका, जाहिर सी बात है 100% आपका, आपने डाल दिया कास्ट सर्टिफिकेट तो वो तो क्लियर हो ही जाएगा नेक्स्ट बैच में। लेकिन सोचिए, एग्ज़ाम भी आप दे देंगे, एग्ज़ाम भी स्पेशली प्री, क्योंकि मेंस जो होता है वो एक दिन का ही होता है, ठीक है, और सबका सबको डेट पता है तो उसी तरीके से वो काम करेंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन जो प्री होता है वो 2-3 दिन में रहता है, तो उसमें टाइम लगता है ना, वो आपको नहीं पता है कौन सा दिन आपको मिल जाए, बट मेंस तो एकदम क्लियर, मतलब क्लियर है कि आपका इसी दिन पेपर होगा। तो लकी हैं आप लोग, मैं तो यही बोलूँगी एक वर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ रहा था कि वेटिंग लिस्ट तो सबको पता है ना, कल वेटिंग लिस्ट क्लियर हो गई, फर्स्ट वेटिंग लिस्ट आ गया, जिसका लास्ट मैंने अभी तक सुना है 120 मार्क्स को उन्होंने लिया है, 120 मार्क्स। सबसे पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन जिनका भी वेटिंग लिस्ट क्लियर हो गया, जो ज्वाइन करने जा रहे हैं, ऑल द वेरी बेस्ट। क्योंकि मैंने सुना है कि आपकी DV की डेट भी आ चुकी है, आप लोगों का DV का डेट भी आ गया है, तो आप देख सकते हैं कि प्रोसेस कितना फास्ट हो रहा है एकदम, मतलब सोचिए, रिजल्ट उन्होंने क्लियर कर दिया, DV का डेट भी दे दिया, तो आप ये नहीं सोच सकते कि मेरी ज्वाइनिंग 4 महीने बाद होगी, नहीं, वो कभी भी DV लेने के बाद आपको ज्वाइनिंग डेट बता देंगे, एक पोस्टिंग का जगह बता देंगे। तो ये चीज़ तो क्लियर है। अब बहुत लोग के माइंड में, क्या इसके बाद भी कोई वेटिंग लिस्ट आएगी या फिर ख़त्म हो गया, तो ऐसा नहीं है, सेकंड वेटिंग लिस्ट भी आएगी, सेकंड वेटिंग लिस्ट भी आएगी, 100% आएगी। कितने मार्क्स तक होगा वो तो सिर्फ इससे पता चलेगा कि कितने स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं, कितने स्टूडेंट छोड़ रहे हैं, ये सबसे पता चलेगा, बट सेकेंड वेटिंग लिस्ट आएगी
चाहे कितने मार्क्स तक, क्योंकि आप देख लीजिए अगर उन्होंने इतने मार्क्स फासले में, सपोज़ 124 कट ऑफ गई थी और उन्होंने 110 मार्क्स तक वालों को वेटिंग लिस्ट में डाला है, मतलब 124 से 110 14 मार्क्स का लगभग डिफरेंस, तो जाहिर सी बात है वो कुछ सोच कर ही डाले होंगे। अगर चाहते तो वो भी 0.25 0.50 तक को रखते हैं, लेकिन उनको पता है कि किस कितने मतलब हाई लेवल में स्टूडेंट उसको लीव करते हैं या कितने लोग उनको ज्वाइन करते हैं, इस पे डिपेंड करता है कि वो कितने लोग को लेंगे। तो आप बिल्कुल होप मत खोइए कि आपका नहीं होगा, चांसेस पूरे हैं हो जाने के। और माइंड में ये चीज़ अगर चल रहा हो, जैसे कि IDB एग्जीक्यूटिव का मतलब जब आप ज्वाइनिंग करते हैं तो उसका जो वर्क होता है वो कैसा होता है, वो सेल्स कराते हैं या नहीं, सैलरी क्या होती है, और क्या इसमें बॉन्ड होता है, क्योंकि बहुत लोग बोल रहे हैं इसमें बॉन्ड होता है, या फिर अगर बॉन्ड नहीं होता है तो निकलने का मतलब अगर हम छोड़ते हैं तो क्या हमें पेनाल्टी देना पड़ता है, पोस्टिंग किस लेवल तक हो सकती है, मतलब कितना रूरल हो सकता है या कितना अर्बन हो सकता है। इस तरीके के क्वेश्चन अगर आप लोग के माइंड में चल रहे हैं ना, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा या मैं उस पर एक वीडियो बना दूँगी, क्योंकि कुछ फ्रेंड्स हैं और कुछ लोग हैं जान पहचान के जिन्होंने ज्वाइन किया है ITVI एग्जीक्यूटिव को, तो उन्होंने अपने बारे में बताया कि वो कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, वहाँ किस तरीके का है। बहुत लोगों को तो अच्छी अच्छी सीटी मिली है, बहुत लोगों को तो एकदम रूरल मिल गया है, बहुत रूरल, जहाँ पे सर्वाइव करना उनको मुश्किल हो रहा है, तो वो तो यहाँ तक सोच रहे हैं कि वो छोड़ देंगे इसको। तो इस तरीके के क्वेश्चन के लिए मैं एक वीडियो सेपरेट बना दूँगी, वरना ये वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। तो और भी अगर इसके एक्सक्लूडिंग कोई आपका क्वेरी हो IDVI रिलेटेड या फिर जो भी पेपर के रिलेटेड, आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा नीचे। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उस के बारे में अगर इन्फॉर्मेशन हो तो मैं 100% जेन्युइन आपको दूं। हाँ, थोड़ा लेट हो जाता है कभी कभी, कि हो सकता है या तो थोड़ी बिजी रहूं या फिर इन्फॉर्मेशन मुझे ना हो उससे रिलेटेड, तो मैं उसे थोड़ा इग्नोर करती हूं, क्योंकि गलत इन्फॉर्मेशन से मच बेटर देना कि आप इन्फॉर्मेशन ना दें, सही दें, मैं इस पर बिलीव करती हूं। तो बस इसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाया था, स्पेशली IDVI एग्जीक्यूटिव के रिलेटेड, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा लोगों के माइंड में ये चल रहा है कि कब आखिर आएगा, कितने दिन लगेंगे, ये वो, तो उसके लिए मैंने वीडियो बनाया था। और अच्छा लगा हो आपको ये वीडियो तो प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज़ लाइक कीजिए, और बस पढ़ाई कीजिए, अपना ख्याल रखिए। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है मौसम चेंज या फिर वजह से बहुत सारे लोग बीमार पड़ रहे हैं, तो उससे बचिए, और अगर हो रहे हैं तो मतलब अपने आप को जल्दी ठीक कर लीजिए। पेपर बहुत नज़दीक है, सबको पता है, अभी सबसे नज़दीक IPS क्लर्क है, जिस जो 26, 27 और 2 तारीख को है, स्पेशली उन लोग के लिए जिनकी दूर सेंटर है, उनके लिए तो भाई 5 दिन पहले ही उनका पेपर शुरू हो जाता है, क्योंकि आने में जाने में बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। तो बस यही बोलना था, ऑल द वेरी बेस्ट, एग्ज़ाम है मतलब अच्छे से दीजिए, और अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए। थैंक यू।